सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ 2023 के तहत मैराथन दौड़ का आगाज किया गया। इस मौके पर पुरानी चौपाटी से राजा अर्णोराज की प्रतिमा से हाफ मैराथन आयोजित की गई और रीजनल चौपाटी के सामने ये समाप्त हुई। इस मैराथन में बालक बालिकाओं के साथ महिला पुरुष 50 वर्ष के लोगों ने शिरकत की। मैराथन केंद्रीय संस्कृति विभाग मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान पूर्व धरोहर एवं प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, डिप्टी मेयर नीरज जैन के अलावा कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस महाकुंभ में 13 अलग अलग खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का प्रभाव अजमेर ही नहीं पूरे राजस्थान में है। उनका नाम या विभिन्न खेलकूद महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, ये गौरव की बात है। के मित्रों, आज मैं रोजगार मेले के अवसर पर यहाँ था तो मुझे नीरज जी ने और हमारे रमेश जी ने, ओंकार सिंह जी लखव साहब ने आमंत्रित किया तो मैं भी यहाँ सम्मिलित हो गया। ये मेरा सौभाग्य है कि बीकानेर से मैं सांसद हूँ और अजमेर में आज मैं आया हूँ तो अजमेर का इतिहास, संस्कृति और इसकी सभ्यता, उसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान का बड़ा नाम है और उसकी जयंती के अवसर पर आज मैराथन दौड़ का जो कार्यक्रम किया है नगर निगम अजमेर और क्रीड़ा भारती के द्वारा, तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक तो यंगर जनरेशन को इसके माध्यम से हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, इसकी जानकारी मिलती है। दूसरा, सुबह सुबह ये मैराथन दौड़ के माध्यम से पूरे अजमेर शहर में एक वातावरण बनेगा कि आज क्या कार्यक्रम है, कैसे लोग यंगर जनरेशन, ये बच्चे कैसे दौड़ रहे हैं, तो सबको पता लगेगा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती है। तो मैं इस अच्छे कार्यक्रम के लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। हर वर्ष की भांति पृथ्वीराज चौहान जयंती के अवसर पर ये प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। हम एक महापुरुष को स्मरण करते हैं, उनकी अच्छाइयों को स्मरण करते हैं, उसको ढालने की कोशिश करते हैं। और इसलिए जब से पृथ्वीराज चौहान स्मारक बना 1996 के आसपास, तब से लेकर के अब तक निरंतर ये कार्यक्रम होते हैं। इसमें नगर निगम का भी सहयोग होता है, प्रशासन का भी होता है, समारोह समिति का भी होता है और भी अनेक संस्थाएं इसमें सम्मिलित होती है। पृथ्वीराज हम सबके जहन में बैठा रहे, हमारे मन में बैठा रहे और उसके लक्ष्य को हम प्राप्त करें, इस उद्देश्य के नाते ये कार्यक्रम करते हैं। और इसलिए आज के दिन, जयंती के दिन में सबको शुभकामनाएं। पूरे प्रदेशवासियों को और अजमेर के शहरवासियों को हमारे हिंदू हृदय सम्राट और हमारी संस्कृति और भारतीयता के परिचायक और हमारे प्रेरणा स्रोत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर नगर निगम और क्रीड़ा भारती द्वारा जो ये मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, निश्चित रूप से शहर के युवाओं को खेल के माध्यम से और राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने का और अपने शरीर को स्वस्थ रखने का जो एक प्रयास दोनों संस्थाओं ने मिलकर किया है, मैं इनके आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से खेल के माध्यम से खिलाड़ी हर बार ये तय करता है कि वह खेले और जीतने के लिए खेले, तो जिस प्रकार से सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का जो कह सकते कि उनके एक धनुर्विद्या थी, शब्द भेदी बाण, उसमें वो बहुत ही पारंगत थे, निश्चित रूप से अपने निशाने को, अपने लक्ष्य को अपने हमेशा मस्तिष्क में रख करके जिस प्रकार से उन्होंने लोहा मुगलों से लिया, उसी प्रकार से हमारा प्रत्येक भारतीय और भारतीयता के नाते निश्चित रूप से अपने मन में लक्ष्य और राष्ट्रीयता की भावना को लेकर के आगे बढ़े, ऐसा मैं शुभकामनाएं सबको प्रेषित करता हूँ। पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई।